नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 2 जिसका नाम संबंध एवं फलन है वो पढ़ेंगे। इस सत्र में हम इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे जो कि क्रमित, युग्मों, समुच्चयों का कार्तीय गुणन एवं इन्हीं विषयों पर आधारित कुछ प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, जैसे कि आपका नाम बता रहा है, क्रम एवं युग में दो अवयव। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? किसी विशेष क्रम में समूहित अवयवों का एक युग्म हमें क्रमित युग्म कहलाता है। इसे हम छोटे कोष्टक द्वारा निरूपित करते हैं और उदाहरण आप देख ही सकते हैं, जैसे कि ये 1, 2, 3, 0, 2 और 1। इस पे आप ध्यान देंगे, क्रमित युग्म हमारे कब बराबर होते हैं यानी समान होते हैं? दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि, केवल यदि संगत प्रथम घटक यानी ये घटक एवं ये घटक, संगत प्रथम घटक बराबर हो और संगत द्वितीय घटक भी बराबर हो। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये दो हमारे क्रमित युग्म हैं। अगर ये दोनों क्रमित युग्म बराबर हैं तो P बराबर A होना चाहिए और Q बराबर B होना चाहिए। तो इन तीनों उदाहरणों में से क्या कोई क्रमित युग्म बराबर है? नहीं। देख सकते हैं, 1 3 से अलग 1 2 से अलग। तो यानी ये तीनों ही उदाहरण हमारे क्रमित युग्मों के अलग अलग हैं। तो आइए इस पे एक सवाल लेते हैं। इस सवाल में हमें पूछा गया है कि दो क्रमित युग्म हमें दिए हुए हैं जो कि बराबर हैं और हमें x और y का मान बताना है। इसमें देखेंगे, ये पहले संगत जो प्रथम घटक है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्रमित युग्म है वो समान दिए हुए हैं। तो x बटे में 3 जमा में 1 बराबर 5/3 और y घटा 2/3 बराबर है 1/3 के। आइए इसका हल देखें। हल के अंदर ये हम जान ही चुके हैं कि दो क्रमित युग्म बराबर हैं तो इसके संगत अवयव, अवयव यानी एलिमेंट्स जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो क्या है? इक्वल है, समान है। तो ये हमने लिख लिया, x बटे में 3 जमा 1 बराबर में 5/3। अब हम इसे आसान करें तो क्या मिलेगा हमें? x बटे 3 बराबर में 5/3 घटा 1। हल करने पर हम पाएंगे x बटे 3 बराबर में 2/3। और हम देख सकते हैं हमें मिलेगा x बराबर में 2, यानी x का मान कितना हुआ? 2। ऐसे ही हम y का मान भी निकाल लेंगे, क्या हुआ? y घटा 2/3 बराबर में 1/3। सरल करने पर 1/3 जमा 2/3, ये हमारा हो जाएगा y 3/3, यानी 3 को हम 3 से ही भाग करेंगे तो हमें पता है कितना आएगा? 1। यानी y का मान कितना हो गया? 1। तो हमने दोनों ही मान निकाल लिए हैं, x का 2 और y का 1। आइए इस पे एक और सवाल करें। इस सवाल में आप देख सकते हैं हमारे पास दो समुच्चय दिए हुए हैं, a और b। a समुच्चय में 3 अवयव हैं, 2, 4 और 6, और b समुच्चय में 4 अवयव हैं, 4, 6, 18 और 27। हमें क्रमित युग्मों का एक समुच्चय बनाना है जिसके अंदर जो पहला अवयव है यानी क्रमित युग्म में जो पहला घटक है वो दूसरे घटक का गुणनखंड है, और साथ ही जो a है वो b से छोटा है। ध्यान रखेंगे, a b से छोटा है, बराबर भी नहीं है। ठीक, आइए इसका हल देखें। सबसे पहले हम 2 को उठाएंगे। ठीक, 2 हमारा 4 का गुणनखंड है और 2 4 से छोटा भी है, तो यानी 2 और 4 एक हमारा क्रमित युग्म बन जाएगा। वही हम देख सकते हैं, 4 2 से भाज्य है एवं
दो जो है चार से छोटा है, तो दो चार एक हमारा क्रमित युग्म है। इसी प्रकार दो छः से छोटा है और दो छः का गुणनखंड भी है, यानी छः दो से भाज्य है, तो हमारा दो और छः एक और क्रमित युग्म बनेगा। इसी प्रकार दो के साथ हमारे कितने क्रमित युग्म बनेंगे, दो छः और दो अठारह। अब आगे देखेंगे चार के साथ हमारे कौन कौन से युग्म बन रहे हैं। चार चार को भाज्य करता है, परंतु चार चार से छोटा नहीं, चार चार के बराबर ही है, इसीलिए हम चार का चार के साथ ही क्रमित युग्म नहीं बनाएंगे। चार छः को भाज्य नहीं करता, यानी छः चार से भाज्य नहीं, चार अठारह का भी गुणनखंड नहीं है एवं सत्ताईस का भी गुणनखंड नहीं है, यानी चार किसी के साथ भी हमारा क्रमित युग्म नहीं बनाएगा। ऐसे ही आगे देखने पर हमें प्राप्त होगा कि हमारे पास कितने कितने क्रमित युग्म आए, दो चार, दो छः, दो अठारह एवं छः अठारह। अब क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, समुच्चय निकालना है, तो हमें इसको मंजले कोष्टक के बीच में लिख दिया है। देख सकते हैं मंजला कोष्टक, और ये सारे हमारे इसके अवयव आ गए। आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम एक क्रमित युग्म निकालते हैं। आइए अब कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं आपके पास दो समुच्चय हैं। मान लेते हैं ये समुच्चय ए, जिसके अंदर हमें नाम दिए हुए हैं। कौन कौन से नाम, राशिद, सुमन और कीर्ति। और दूसरा समुच्चय बी समुच्चय, जिसके अंदर आपको अलग अलग जगहों के नाम दिए हुए हैं, दिल्ली और गोवा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो नाम है, यानी ये जो लोग हैं, वो अलग अलग इन जगहों पर जा सकते हैं, तो ये कहाँ कहाँ जाएंगे। अगर मैं कहूँ राशिद दिल्ली जा सकता है, तो तुरंत आप बोलेंगे मैम राशिद गोवा भी तो जा सकता है। तो हाँ, तो हमारे कितने युग्म बनेंगे। अगर मैं सबसे पहले घटक में नाम डालूं और दूसरे घटक में जगह का नाम, तो आप क्या बनाएंगे, राशिद और दिल्ली, यानी ये पहला आपका क्रमित युग्म हुआ। दूसरा आपका क्या हुआ, राशिद गोवा, ठीक, यानी राशिद दिल्ली भी जा सकता है और राशिद गोवा भी जा सकता है। ऐसी अगर मैं कहूँ आपको सारे क्रमित युग्म निकालने हैं, तो तुरंत आप बताएंगे मुझे राशिद दिल्ली, राशिद गोवा। ऐसे ही सुमन दिल्ली, सुमन गोवा, कीर्ति दिल्ली, कीर्ति गोवा, ये सारे क्या बने हमारे क्रमित युग्म। और अगर इन्हीं क्रमित युग्मों का एक मैं समुच्चय बना लूं, तो ये समुच्चय हमारा कार्तीय गुणन कहलाता है। किसका, दो समुच्चयों का, ए और बी। तो आइए परिभाषा देखें इसकी। परिभाषा कहती है, दो अरिक्त समुच्चयों पी तथा क्यू को कार्तीय गुणन जब हम करेंगे, तो उन सभी क्रमित युग्म का समुच्चय है, जिसमें प्रथम घटक हमारे पी समुच्चय में से आ रहे हैं तथा द्वितीय घटक हमारे क्यू समुच्चय में से आ रहे हैं। इसको हम गणित में कैसे निरूपित करेंगे, पी का क्यू से कार्तीय गुणन। लिखने का तरीका, किस तरीके से लिखा है हमने इसमें समुच्चय निर्माण रूप में, ये हमारा क्रमित युग्म आ गया, कोलन, जो पहला घटक है वो समुच्चय पी में से और दूसरा घटक समुच्चय क्यू में से। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था ये जो अरिक्त है ये बहुत ही क्या है, ध्यान देने वाला शब्द है। इस पे हमें ध्यान देना है कि जो हम कार्तीय गुणन करते हैं वो अरिक्त समुच्चयों पे करते हैं। तो अगर अरिक्त समुच्चय हो जाए तो क्या होगा, देखेंगे। अगर कोई भी समुच्चय रिक्त समुच्चय हो जाए, तो उसका कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। देख सकते हैं P या Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय है, तो उसका कार्तीय गुणन भी क्या है, ये फी, जो कि हमें बताता है रिक्त समुच्चय है। ठीक, आइए अब इस पे हम एक सवाल लेते हैं।
सवाल में आप ध्यान देंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक समुच्चय जिसमें दो अवयव हैं माइनस एक और शून्य, और हमें कार्तीय गुणन निकालना है समुच्चय पी का पी के साथ ही। ठीक, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये पी समुच्चय है, इसका कार्तीय गुणन निकालना है पी के साथ ही, तो हम इसके क्रमित युग्म निकालेंगे। और क्रमित युग्म कैसे निकालेंगे, माइनस एक युग्म बनाएगा माइनस एक के साथ, माइनस एक युग्म बनाएगा शून्य के साथ, ऐसे ही शून्य युग्म बनाएगा माइनस एक के साथ, और शून्य हमारा युग्म बनाएगा शून्य के साथ। तो हमारे पास कितने क्रमित युग्म आए, चार, जो कि आप देख सकते हैं, ये हैं माइनस एक शून्य, माइनस एक माइनस एक, शून्य माइनस एक, शून्य शून्य, ये सारे के सारे हमारे अवयव बन जाएंगे किसके, इस कार्तीय गुणन के, जो कि पी का है पी के साथ ही। आइए अब इसके ऊपर हम कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान दें। बच्चों आप देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी समुच्चय ए है जिसमें पी अवयव हैं, पी संख्या है अवयवों की किसके अंदर, समुच्चय ए में, ऐसे ही हमारे पास समुच्चय बी है जिसके अंदर क्यू अवयव हैं, तो हमारा जो कार्तीय गुणन है उसमें कितने अवयव होंगे, पिछले उदाहरण से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने होंगे। जी हाँ, हमारा कार्तीय गुणन यानी ए का बी के साथ जब हम करेंगे तो उसके अंदर पी गुणा में क्यू अवयव आएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास ए समुच्चय में दो अवयव हैं और बी समुच्चय में तीन अवयव हैं, तो ए और बी के जब हम कार्तीय गुणन करेंगे तो उसके अंदर कितने अवयव पाएंगे, तीन को दो से गुणा करने पर यानी तीन दुनी छः, छः अवयव होंगे। ठीक, आइए अब दूसरे बिंदु पे ध्यान दें। यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय, और ए या बी में से कोई भी कैसा है, अपरिमित, अपरिमित यानी उसके अंदर निश्चिंत, उसके अंदर निश्चित हमारी संख्या नहीं है। ठीक, तो ए का बी के साथ जो कार्तीय गुणन होगा उसके अंदर भी अपरिमित संख्या ही के अवयव होंगे, यानी उसमें भी हमें कोई भी निश्चित संख्या नहीं मिलेगी। ठीक, इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ए ले लूं जिसमें दो अवयव हैं, ठीक, तो यानी ए के अंदर अवयवों की संख्या दो हो गई। अब बी समुच्चय लिया मैंने, देख सकते हैं दो बी क्या है, हमारा सारे सम संख्याओं का समुच्चय, जो ये एन आ रहा है वो प्राकृत संख्या में से आ रहा है। हम जानते हैं बी क्या है, हमारे पास अपरिमित समुच्चय है। ठीक, तो इसका कार्तीय गुणन भी क्या बनेगा, देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास अवयवों की संख्या है वो कभी खत्म ही नहीं होगी, वो चलती रहेगी। एक दो के साथ युग्म बनाएगा, एक चार के साथ युग्म बनाएगा, एक छः के साथ, और ऐसे ही एक हमारा सारी सम संख्याओं के साथ युग्म बनाता रहेगा, और इसी तरह दो भी हमारा युग्म बनाएगा सारी सम संख्याओं के साथ। तो हमारे पास ए बी का जो कार्तीय गुणन है इसके अंदर कितने अवयव होंगे, कोई भी निश्चित संख्या हमें नहीं मिल रही है। तो यानी ए गुणा में जब हम बी कर रहे हैं तो हमारे पास एक अपरिमित समुच्चय मिल रहा है। आइए अब तीसरे बिंदु पे ध्यान दें।
तीसरे बिंदु में हमारा क्या है कि अगर हम एक से ज्यादा क्या कर रहे हैं, समुच्चयों को गुणा कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं हम दो समुच्चयों को ना लेकर तीन समुच्चयों को उनका कार्तीय गुणन निकाल रहे हैं, तो ऐसे में हमारा क्रमित युग्म न बनकर त्रिक बनता है। त्रिक क्यों? क्योंकि हमारे पास तीन अवयव आएंगे। युग्म के अंदर हमारे पास दो का हम कार्तीय गुणन निकाल रहे थे, इसमें हम तीन समुच्चय का कार्तीय गुणन निकाल रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या मिल रहा है? क्रमित त्रिक। ठीक, आइए अब इस पे कुछ सवाल लें। इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है? कार्तीय गुणन दिया हुआ है समुच्चय ए का बी के साथ, और उसके हमारे पास अवयव है एलएक्स, एलवाई, एमएक्स, एमवाई। हमें क्या निकालना है? हमें समुच्चय ए और समुच्चय बी निकालना है। ध्यान देंगे, कार्तीय गुणन में ए सबसे पहले समुच्चय है और बी दूसरे स्थान पे। तो यानी क्रमित युग्म में भी जो पहले घटक हैं वो कहां से आ रहे हैं? समुच्चय ए में से। और जो दूसरे घटक हैं यानी एक्स, वाई, वो कहां से आ रहे हैं? समुच्चय बी में से। तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या होंगे। आइए इसका हल देखें। हल के अंदर ए समुच्चय बनाया कौन कौन से अवयव लेके? पहले घटक एल और एम। और बी समुच्चय बना हमारा दूसरे घटक लेके सारे क्रमित युग्मों में से, एक्स और वाई। ठीक, अब प्रश्न में हमें और कुछ भी दिया हुआ है, वो कह रहे हैं ध्यान दीजिए बी गुणा ए, यानी अगर मैं बी को ए के साथ गुणा करूं तो हमारा कार्तीय गुणन क्या होगा? देखेंगे। अब बी पहले स्थान पे आ गया और ए दूसरे स्थान पे। ठीक, तो यानी ये जो सारे हमारे क्रमित युग्म हैं वो क्या हो जाएंगे? इनके स्थान पलट जाएंगे। तो हमारा बी गुणा ए यानी इसका क्या आया अवयव? सारे अवयव क्या बने? एक्स एल, वाई एल, एक्स एम, वाई एम। ध्यान देंगे एक्स पहले हमारा दूसरे स्थान पे था, अब पहले स्थान पे हो गया। क्यों? क्योंकि पहले हमने समुच्चय बी लिया हुआ है। अब देख ही सकते हैं बी गुणा ए एवं ए गुणा बी, क्या दोनों समान हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है। और ये बराबर कब होंगे? जब दोनों समुच्चय ए और बी बराबर होंगे। तो ये आज की हमारी टिप्पणी। ठीक है बच्चों, आइए इस पे कुछ सवाल लेते हैं अब हम। ये हमारा सवाल है, इस सवाल में क्या बोला गया है? कार्तीय गुणन है हमारे पास पी का पी के साथ ही, पी हमारा समुच्चय है, और इस कार्तीय गुणन के अंदर नौ अवयव हैं। फिर से हमें संख्या दी हुई है। ठीक, हमें क्या निकालना है? जिसमें यह दोनों युग्म यानी कार्तीय गुणन के अंदर के जो अवयव हैं उनमें से सिर्फ दो हमें उसके अवयव दिए हुए हैं, उसके कार्तीय युग्म दिए हुए हैं, वो क्या क्या हैं? पाँच छः और छः शून्य। हमें क्या निकालना है? हमें समुच्चय पी निकालना है, समुच्चय पी ज्ञात करना है। ठीक, प्रश्न सबको समझ में आ गया। अब हम इसका हल देखेंगे। हल के अंदर ध्यान देंगे एन पी गुणा में पी, इसमें कितना है? नौ। अभी हमने विशेष बिंदुओं में पढ़ा था संख्या किसके अंदर, पी समुच्चय में कितनी होंगी? पी गुणा में पी यानी ये क्या है? नौ, यानी नौ का वर्गमूल, और नौ का वर्गमूल कितना हुआ? तीन। ठीक, तो यानी पी समुच्चय में कितनी संख्याएं होंगी हमारे पास अवयवों की? तीन। तो संख्या हमें मिल गई, तीन संख्या होंगी किसकी? अवयवों की। अब हमें अवयव निकालने हैं। अवयव हम इसकी सहायता से निकालेंगे। तीन अवयव होंगे और तीनों अलग अलग होंगे, तो हमें तीन अलग अलग अवयव स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहे हैं, वो क्या क्या होंगे? एक हो गया पांच, एक हो गया छः और एक हो गया शून्य। ठीक, तो यही हमारा बना पी समुच्चय,
जिसके अंदर तीन अवयव हैं, और तीन अवयव वो कौन कौन से हैं? पांच, छह और शून्य। ऐसे ही अब बाकी सारे भी क्रमित युग्म निकाल सकते हैं, किसके? कार्तीय गुणन p गुणा p से। वो क्या है ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हमने लिख रखा है, वो है पांच, पांच के साथ, पांच जब शून्य के साथ उसने युग्म बनाया, छह छह, छह पांच, शून्य शून्य, शून्य पांच और आखिरी शून्य छह। आशा करते हैं ये आपको जो सवाल है वो समझ में आया होगा। तो आइए देखें आज के सत्र में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के सत्र में सबसे पहले हमने क्रमित युग्म के बारे में पढ़ा। क्रमित युग्म क्या होते हैं? किसी विशेष कर्म में समूहित अवयवों का जो हमारे पास एक युग्म होता है उसे हम क्रमित युग्म कहते हैं। दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि संगत प्रथम घटक बराबर हो, और ऐसे ही संगत द्वितीय घटक भी हमारे पास बराबर हो यानी समान हो। हमने दो अरिक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणन भी पढ़ा, जिसकी परिभाषा यहाँ लिखी है, दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणन P गुणा Q के रूप में हम जब लिखते हैं तो वो क्या होते हैं? सभी क्रमित युग्मों का एक समुच्चय होता है, जिसमें से पहला घटक समुच्चय P में से और दूसरा घटक समुच्चय Q में से आ रहा है। ठीक, ये वाले बिंदु पे ध्यान देंगे। अगर हमारा क्रमित युग्म करने में कोई भी समुच्चय रिक्त समुच्चय है तो कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। और आखिरी बिंदु, अगर A और B दो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि A या B में से कोई भी अपरिमित समुच्चय है तो उनका कार्तीय गुणन भी हमारे पास अपरिमित समुच्चय ही मिलेगा। बच्चों, आशा करते हैं आज के सत्र में आपको आनंद आया होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।